जय हिंद वंशिका। जय हिंद मैम। वंशिका तुमने एनसीसी कब ली? मैम मैंने 8th क्लास में एनसीसी ज्वाइन की थी। अच्छा, अभी कौन सी क्लास में हो? मैम 12th क्लास में हूँ। तो जब तुमने ज्वाइन की जूनियर विंग में थी? यस मैम। अब सीनियर विंग में हो? यस मैम। तो 2 साल का जूनियर विंग कंप्लीट करके अब तुम सीनियर विंग के सेकंड ईयर में हो? यस मैम। तो ए सर्टिफिकेट ऑलरेडी तुम्हारे पास है? यस मैम। कौन सा ग्रेड है? मैम ए ग्रेड है। गुड, वेरी गुड। तो अब तुम्हारा सेकंड ईयर है तो बी सर्टिफिकेट होगा तुम्हारा? yes, है ना? आई होप उसमें भी तुम्हारा अच्छा ग्रेड आएगा। yes, ma'am. तो एनसीसी तुमने जूनियर में ली, फिर सीनियर में ली, ऐसा क्या एनसीसी में अच्छा था जो तुमने कंटिन्यू किया सीनियर में आकर? मैम मैंने एनसीसी को पहले तो जब मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था, जब से मैंने लेनी थी तो हमारी मोनिका मैम है, उन्होंने बोला लेने के लिए मेरे पापा को, मेरे पापा टीचर है मैम, उनको बोला मेरे पापा से फिर स्टार्ट करो। मैम जो हमारी एनओ मैम है मोनिका मैम, उन्होंने मेरे पापा से बोला कि इसको एनसीसी दिलाओ, ये कर सकती है। तो मेरा भी इंटरेस्ट था एनसीसी में कि कुछ भी नया तो सीखने को मिलेगा, भले ही थोड़ा पढ़ाई का लॉस हो स्कूल में से, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। तो मैम जब मैंने एनसीसी ज्वाइन कर ली तो उसके बाद मुझे अपने स्कूल के थोड़े लेक्चर छोड़ने पड़े, लेकिन मुझे उन लेक्चर छोड़ के ऐसा नहीं लगा कि मेरी पढ़ाई वेस्ट हुई है, क्योंकि मुझे उनसे ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को एनसीसी में मिल रहा है। जैसे क्या? मैम जैसे मैंने फर्स्ट कैंप किया था जूनियर विंग में, हमारे स्कूल में लगा था मैम वो कैंप, तो उसमें मैंने एक तो ड्रिल, मैम ड्रिल मेरी बहुत अच्छी है, और मैम कल मैंने ग्रुप कमांडर भी थी, मैंने कल किया था परेड कमांडर थी। यस मैम, परेड कमांडर भी थी मैं, मैंने कल किया था। और मैम यहाँ पे फायरिंग भी हुई है और सारी एक्सरसाइज वगैरह ऑब्स्टिकल्स वगैरह पे किए हैं मैम मैंने, ग्रुप डांसिंग है, सिंगिंग है। मैम जब हम स्कूल में रहते हैं तो सिर्फ हम पढ़ाई पढ़ाई पर रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब करना ही पड़ता है हर चीज में, सिंगिंग में, डांसिंग में, ड्रिल में, हर कंपटीशन में, डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का मौका yes, मिलता है different... तो तुम एंजॉय करती हो सब करना? यस मैम। तो तुम तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस के पीछे एनसीसी ट्रेनिंग का भी हाथ है? यस yes, मैम। वो कैसे? मैम वो वैसे तो मैम मैं पहले से भी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन एनसीसी ज्वाइन करने के बाद जब मैंने और बच्चों को देखा कि भाई ऐसे ऐसे भी टैलेंटेड बच्चे हैं, तो मैंने अपने को कम नहीं समझा, मैंने कर सकता है, जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ हर चीज में। अच्छा, तो मैम मैंने भी किया। तो एनसीसी का बी सर्टिफिकेट तुम्हें मिल जाएगा, है ना? yes, फिर सी के लिए भी तुम करोगी? yes, सी मिल जाएगा। yes, तो ये सर्टिफिकेट का तुम कैसे फायदा उठा सकती हो, कोई आइडिया है तुम्हें? यस मैम। मैम वैसे तो मैं डॉक्टरी लाइन में जाना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब एम तो मेरा डॉक्टरी का है, लेकिन जैसे मुझे एमबीबीएस करके मैम मतलब हम एमबीबीएस करना चाहते हैं, लेकिन फिर मैं यूपीएससी का मैम फॉर्म भरना चाहती हूँ उसके बाद, तो उसमें अब उसके हेल्प के लिए, एक तो हेल्प क्या मैम, बस उनको ये लगेगा कि मेरा भाई मैंने पहले भी ट्रेनिंग की हुई है, मतलब मुझे एक मार्क्स बोल दो अलग से मिल जाएगा एनसीसी में, और मैम इससे फायदा होगा कि मुझे वहाँ पे हेजिटेशन नहीं होगा। तो बेसिकली तुम ये कहना चाहती हो कि कभी भी तुम्हें इंटरव्यू फेस करना पड़े, यूपीएससी का इंटरव्यू फेस करना पड़े, तो तुमने ऑलरेडी यहाँ पर इंटरव्यू दिए हैं, बेस्ट कैडेट का इंटरव्यू दिया है, डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है, कॉन्फिडेंस तुम्हारा ऑलरेडी अप हो चुका है, एनसीसी ट्रेनिंग का उसमें हाथ है ना? अच्छा, एनसीसी एक्टिविटीज में ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो तुम सबसे ज्यादा इंजॉय करती हो? मैम मुझे ड्रिल बहुत ज्यादा पसंद है। ड्रिल बहुत ज्यादा पसंद है? ऐसा क्या खास बात होता है ड्रिल में जो मतलब तुम्हें इतना पसंद है, बताओ मुझे। मैम क्योंकि उसमें सब एक साथ चलते हैं ना, सबका ग्रुपिंग होता है, और बिल्कुल एक जैसी ड्रेस सबकी, बिल्कुल अच्छा लगता है। मैम बहुत अच्छा लगता है। चलो मुझे एक दो मोमेंट ड्रिल के करके दिखाओ, अपने आप को कमांड देना जो तुम्हें बहुत पसंद है। थोड़ा पीछे चले जाओ मेरे लिए, वर्ड ऑफ कमांड।